नमस्कार, कैब फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सियरा के सूचनाओं का फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। 10 अगस्त 2022 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है इनकम टैक्स में। किन लोगों के लिए? जो लोग, अगर लिटरली बात करें, एनजीओ हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनको एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, उसका पूरा सीरीज लिस्ट दिया गया है। 14 से 15 पेज का ये नोटिफिकेशन आया है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है और कितने टाइम के लिए मेंटेन करना है। अगर ध्यान से देखें हम इस नोटिफिकेशन को, जो कि 10 अगस्त 2022 को इशू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यहाँ पे क्लियर कट में बताया गया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट टू बी कैप्ट एंड मेंटेन, किसको किसको करना है, एवरी फंड और इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन विच रिक्वायर टू बी कैप्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, कहाँ पे, या तो वो 1023C में कवर है या 12A में, यानी कि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट की, एनजीओ की बातें कर रहे हैं। तो इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब किया गया है? एक तो इनको कैश बुक मेंटेन करना है, लेजर्स मेंटेन करने हैं, जर्नल मेंटेन करने हैं, उसके अलावा कॉपीज ऑफ बिल, आपके जितने भी बिल की कॉपी है, वेदर मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियल नंबर, आपको या तो आप कंप्यूटर से मेंटेन करते हैं लेकिन सीरियल नंबर होना जरूरी है, या अदरवाइज आपको सीरियल नंबर अगर मैनुअल करते हैं तो जरूरी है। वेयर एवर सच बिल आर इशू बाय द एसएससी एंड कॉपी और काउंटर फोलियो ऑफ द मशीन नंबर और अदरवाइज सीरियल नंबर रिसीव्ड इशू बाय द, आपको उसका एक कॉपी आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, ओरिजिनल बिल वेयर एवर इशू टू द पर्सन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय द पर्सन, राइट। नेक्स्ट, एनी अदर बुक्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन ऑर्डर टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे, वो सारे के सारे आपको मेंटेन। वो सारे भी मेंटेन करने हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिया गया है जो आपको मेंटेन करना है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या है वो देखिए एक बार। रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, जाहिर सी बात है एनजीओ है आपका, ट्रस्ट है, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट रन करते हैं आपके यहाँ, तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूट्स रन बाय अ पर्सन कंटेनिंग डिटेल ऑफ देयर नेम, एड्रेस एंड ऑब्जेक्टिव, उसका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। सबसे कमाल का बात यह है, इस पर और डिटेल में जाएं, सबसे पहले आप नीचे आएंगे इस नोटिफिकेशन में, काफी लंबा नोटिफिकेशन 11 पेज का इन लोगों ने इश्यू किया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई है, द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 शैल बी कैप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। आपको ये सारे रिकॉर्ड 10 साल तक जिस असेसमेंट ईयर से बिलोंग करता है, उस असेसमेंट ईयर के एंड होने के 10 साल तक आपको रिकॉर्ड को संभाल के रख रहे। काफी लंबा डिटेल नोटिफिकेशन है, बहुत डिटेल्स में इस पर चर्चा की गई है। मीन्स साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा है, या उनको कंफ्यूजन है कि वो मेंटेन करना है कि नहीं करना है। तो शायद इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही इन नोटिफिकेशन इशू किया गया, राइट। इसके अलावा अगर आप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कि जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर आपका एनजीओ है, ट्रस्ट है, वहां पे कंट्रीब्यूशन आते हैं, अब उसमें भी कुछ पैरामीटर को तय कर दिया गया। जैसे जो कंट्रीब्यूशन है रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो नेम ऑफ द डोनर, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर,
इफ अवेलेबल, यानी कि पैन को अभी मैंडेटरी नहीं किया है और आधार को भी अभी आपको मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन नियर फ्यूचर में ये भी कहेंगे कि आपको आधार और पैन एकदम मेंटेन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको वन बाय वन करेंगे तो बहुत वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये नट सेल में ये करें कि जरूर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन करना शुरू करें अगर नहीं मेंटेन करते हैं तो, बिकॉज अगर स्पेसिफाइड किया जा चुका है एटलीस्ट कैश बुक लेजर और कॉपीज ऑफ बिल, इतने तो जरूर मेंटेन करें, राइट। तो एक नोटिफिकेशन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इशू किया गया था 10 अगस्त 2022 को, जो कि स्पेसिफिकली बिलोंग करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटीज। तो एक छोटा सा अपडेट जो आया था उसको लिए लेकर आए हैं। कैसा लगेगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।